नमस्कार, 6 बज गए हैं। अब आज की राजनीति की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है और एक नया दृश्य जो देखने को मिला वो था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की घोषणा की। ये एक बड़ी खबर है जिससे पूरी की पूरी कांग्रेस हिल गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज़्यादा व्यथित थे, परेशान थे और उन्होंने इस बात को महसूस किया, उसके बाद कहा भी कि कांग्रेस छोड़ने का उन्हें दुख है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि कांग्रेस को छोड़ना उनके लिए मजबूरी बन गया था। बताते हैं कि कई दिनों से वो अपने मन का दर्द, अपनी बात कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने तक का समय देना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस में कोटरी काम करती है, वो तय करती है कि कौन सोनिया गांधी से मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। अगर वक्त रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात सुन ली जाती तो एक कद्दावर नेता आज कांग्रेस के पास होता, बीजेपी के पाले में नहीं आता और कमलनाथ सरकार के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो बादल भी नहीं बन रहे थे। कई बार राजनीति में ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं कि जिसके बड़े विलक्षण परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। आपको याद होगा 2018 विधानसभा का चुनाव, उसके पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ शब्द प्रयोग किए थे। उन्होंने कहा था, बस करो महाराज। अब आप देखिए, वही बस करो महाराज उसी बस में सवार हैं जिस बस में आप खुद सवार हैं। उस समय शिवराज सिंह ने एक बात और कही थी, माई का लाल। सबको याद होगा माई का लाल, और माई के लाल का असर ये हुआ कि माई के लालों ने शिवराज सिंह को सत्ता से दूर कर दिया। बहुत आक्रोश था उस माई के लाल शब्द को लेके, और वो माई का लाल शब्द शिवराज सिंह को सत्ता से हटाने का एक साधन बन गया। अब बात वर्तमान की करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद परेशान थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने परेशान थे कि इस छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक और मंत्री तक उन्हें जब बताते थे कि किस तरह के खेल कमलनाथ सरकार में चल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने लहजे को थोड़ा सा कड़क किया और कहा कि मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा। उनकी इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था संगठन को, खास करके सरकार को, लेकिन दोनों ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। उल्टा कमलनाथ बोलते हैं कि सड़क पर उतर जाओ, और अब देखिए सड़क पर उतर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। और लगता है कि राजनीतिक भाषा शैली की बात करें तो जो नंबर गेम होता है उसमें कमलनाथ पीछे सड़कते जा रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सड़क पर उतरने के चक्कर में कमलनाथ सड़क पर आ सकते हैं, उनका मुख्यमंत्री पद जा सकता है, जिसकी पूरी पूरी संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। हालाँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई सारी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में वादों को पूरा ना करना और मध्य प्रदेश का तबादला उद्योग। मैं जब अभी स्टूडियो में आ रहा था तब भी मेरे पास लिस्टों पे लिस्टें तबादले की आ रही थी। इधर के कलेक्टर बदल दिए, फलां बदल दिया, ढिमका बदल दिया। तो जो तबादला उद्योग का एक आरोप कमलनाथ के माथे पर चस्पा किया गया है, उसकी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। उधर ज्योतिरादित्य दोपहर में बोलते हैं, शाम को फिर तबादला लिस्ट आ जाती है। और सच्चाई यही है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने ऐसा कुछ नहीं किया कि अगर वो हट जाते हैं तो उनको याद रखा जाए। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कहा था कि हर किसान का कर्जा माफ़, कितना कर्जा माफ़ नहीं, हर किसान का कर्जा माफ़, कर्जा माफ़ी यानी पूर्ण कर्जा माफ़ी की बात थी, लेकिन वो 2 लाख पे अटक गई। आज की तारीख तक किसी भी किसान का 2 लाख रुपया माफ़ नहीं हुआ है। ये पहली वादा खिलाफी थी जिससे सिंधिया सबसे ज़्यादा नाराज थे। दूसरी नाराजगी तबादला उद्योग की थी। आज सुबह भी उन्होंने बात कही दोपहर में और शाम को फिर तबादले की लिस्ट। तो मध्य प्रदेश पूरा का पूरा, जिसको राजनीतिक भाषा में खेल कहा जाता है, यहाँ की जो सत्ता है वो खेल करने में लगी है। आपके आसपास भी तमाम कार्रवाइयाँ हुई माफियाओं पे, क्या वो माफिया थे? माफियाओं के नाम पे आम लोगों को, गरीब गुरबे तक के किसी का टीन शेड तोड़ दिया गया, किसी का एक पिलर गिरा दिया गया, तो क्या वो माफिया थे? कितने माफियाओं पे कार्रवाई की? क्या जिन पे सब पे कार्रवाई हुई, जिनके छोटे छोटे अतिक्रमण हटाए गए, वो लोग क्या माफिया थे? शुद्ध के खिलाफ युद्ध चला, 5 दिन चला, उसके बाद वसूली अभियान उसमें भी शुरू हो गया। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आए जिसका कोई जवाब सत्ता पक्ष के पास अभी तक तो नहीं है। सिंधिया बहुत परेशान थे और उन्होंने जो डिसीजन लिया वो उनके हिसाब से ठीक होगा उन्होंने लिया। बीजेपी को नंबर गेम में एक फिर सफलता मिल रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस में पर्दे के पीछे कौन लोग हैं जो सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में, जिन्होंने फैक्शन पैदा कर दिए, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में फैक्शन पैदा कर दिए, ये कौन लोग हैं जो कमलनाथ को गुमराह करते रहे, कमलनाथ को मिसगाइड करते रहे, कमलनाथ से गलत सलत करवाते रहे? क्योंकि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी।
बीच में हनी ट्रैप कांड आया, तमाम लोगों की सीढ़ियाँ, इस पे दबाव, उस पे दबाव। एक नाम मैं लेना चाहूँगा, उनके बारे में ये कहा जाए कि वो ढुलमुल हैं, लुढ़क जाते हैं। नारायण त्रिपाठी एक विधायक हैं, इस समय वो बीजेपी के साथ आ गए, थोड़े दिन पहले कमलनाथ के साथ थे, वो भी उस हनी ट्रैप का कहीं शिकार हुए हैं, इस तरह की बातें आई, उसके बाद वो अपना स्टैंड हमेशा बदलते रहे। आज फिर दिन में ये किस्सा सामने आया कि हनी ट्रैप में कुछ मामले सामने आ सकते हैं। तो एक बार कमलनाथ सरकार रहे या जाए, हनी ट्रैप में जितने लोग हैं सबके नाम उजागर कर दें कि ये लोग हैं, इनकी जांच चल रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या बीजेपी के लोग, क्या कांग्रेस के लोग, और क्या अफसरशाही, हमाम के भीतर जो कुछ है वो सामने आना जरूरी है, उसको लाके कर दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसकी बहुत संभावना नहीं है, क्योंकि इन इस तरीके के जो हथियार हैं, जो टूल्स हैं, उनको राजनीति में उपयोग करने के लिए रखा जाता है, लोगों को दाएं बाएं करने के लिए रखा जाता है। मध्य प्रदेश के क्या हालत हैं, आप मध्य प्रदेश के लोग इस बात को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप ज़्यादा सड़कों पर रहते हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आपको मालूम है मध्य प्रदेश की स्थितियाँ क्या हैं, चाहे मसला रोज़गार का हो, चाहे विकास का हो, चाहे अफसरशाही का हो, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में, कैसे चल रहा है सवा साल में, सब कुछ राम भरोसे है। लेकिन आज से जो राजनीतिक मौसम बदला है, जो राजनीतिक जमावट बदल रही है, ये कमलनाथ के लिए अच्छा संकेत नहीं है, ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एक बात कल कही गई कमलनाथ के जरिए कि मेरी जो लोग बीजेपी के पास हैं या जो लोग बेंगलोर में हैं, सिंधिया समर्थक, उनसे बात चल रही है, उन सारे लोगों ने इस बात का खंडन कर दिया कि उनकी कमलनाथ से कोई बात नहीं हुई, उनकी कांग्रेस के किसी व्यक्ति से बात नहीं हुई। एक एक करके धड़ाधड़ वीडियो आना शुरू हुए, सारे के सारे जितने लोग हैं वहाँ, उन सबके वीडियो आ गए सामने, वो कह रहे हैं गलत हैं, हम सिंधिया के साथ थे, सिंधिया के साथ हैं, सिंधिया के साथ रहेंगे। एक मजेदार वाकया आपको और बताता हूँ, बीजेपी जिस परंपरा से काम करती है, जिस संस्कार से काम करती है, हमेशा ज्योतिराज सिंधिया को कांग्रेस में महाराज कहा जाता था, महाराज महाराज करके संबोधित करते थे, लेकिन बीजेपी में कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। वहाँ सामान्य तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बजाय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया कहने में यकीन रखते हैं, और बड़े सम्मान में कहते हैं शिवराज भाई साहब, शिवराज जी भाई साहब। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी बीजेपी में, अगर वो लंबा समय गुजारना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बीजेपी के साथ शुरुआत नहीं की। जब वो आए थे उनके पिता के देहांत के बाद, तो सीधे कांग्रेस में आए और 18 वर्ष कांग्रेस में गुजार दिए। लेकिन अब बीजेपी के संस्कारों को उनको समझना पड़ेगा, भारतीय संस्कार हैं वो, ये संस्कार सब में होते हैं। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्योतिरादित्य जी भाई साहब हो जाएंगे, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं बीजेपी दफ्तर में और सब जगह चल रही थी कि उनको किस तरह से संबोधित किया जाएगा, कैसे संबोधन उनको मिलेगा, वो उसको कैसे स्वीकार करेंगे। तो ये बड़ा रोचक होगा देखना कि एक महाराजा जब एक आम आदमियों की पार्टी में आता है और वहाँ किस तरह से ढलता है, ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले एक बात हुई, जो पहले अगर कांग्रेस कर देती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में बने होते, उनके समर्थकों की डिमांड थी कि उनको सिर्फ प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए और राज्यसभा भेज दिया जाए, जिसके लिए कांग्रेस के लोग तैयार नहीं थे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को और हाशिए पे ले जाना चाहते थे, जिस हाशिए पे ले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं से उदित हो रहे हैं। बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की है राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के लिए, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है, और वो मध्य प्रदेश के खाते से अब राज्यसभा में जाएंगे। कल तक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के खिलाफ मुखर होते थे, अब वो कांग्रेस की बैंड बजाते नजर आएंगे। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने की स्क्रिप्ट पे काम बहुत समय से चल रहा था, कांग्रेस उसको समझ नहीं पा रही थी। जब तीन तलाक का मसला हो, 370 का मसला हो, CA का मसला हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको समर्थन दिया, कांग्रेस नहीं समझी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाली कोटरी ना उसको समझी, ना उनको समझा पाई। इसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेसी हटाकर जनसेवक लिख दिया, उस समय भी इनको समझना चाहिए था, लेकिन ये नहीं समझे। और मज़े की बात तो ये है कि अब भी ना ऊपर बैठे कांग्रेसी दिल्ली वाले और ना मध्य प्रदेश में बैठे कांग्रेसी इसको समझ रहे हैं। ये सब अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोसने में लगे हैं। अब इनको 1857 याद आ रहा है, 18 साल इनको 1857 का घटनाक्रम याद नहीं आया, जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता होते थे, तब इनको कभी 1857 याद नहीं आया। जब नेहरू जी रिक्वेस्ट करके राजमाता विजयाराजे सिंधिया को कांग्रेस में लेके आए थे, तब इनको कभी 1857 याद नहीं आया। तो राजनीति है तो लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस उनके लिए कुछ कर नहीं पाई, उनकी मनोभावना को समझ नहीं पाई, वो जो मैसेज कन्वे कर रहे थे उसको पकड़ नहीं पाई,
तो उसका खामियाजा तो फिलहाल कांग्रेस को भोगना पड़ेगा, और कांग्रेस से ज़्यादा ये खामियाजा भोगना पड़ेगा कमलनाथ को, जैसा अभी मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर नज़र आ रहा है। और इस सब के पीछे दबी जुबान में कांग्रेसी कहते हैं एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, उसका नाम है दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।